अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीजा। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज है सेकंड रमजान और माशाल्लाह से सेकंड रमजान की जो है वो सेकंड सहरी। तो मैं उठ गई थी तकरीबन 4 बजे, आज 15 मिनट लेट हो गई और जल्दी से उठ के पहले तहज्जुद अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और ज़रा कुछ चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो फिर फटाफट सारे घर वालों को उठाती हूँ मैं और उसके बाद जो है बाकी दिन का अपना आगाज़ करते हैं। तो बस ये है, तो मेरे साथ साथ रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लेट्स गो। तो आज जनाब मैं अपने लिए बना रही थी ऑमलेट, तो बस उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो मैंने ऐड कर दिया है और वो करके बस बना दूंगी। बेटे साहब को अगेन वही डॉन का पराठा खाना है, उनको और कुछ खाना ही नहीं, अलग से ही नहीं उतर रहा होता। मैंने कहा ठीक है फिर मैं भी बगैर ऑयल के जो है यही रोटी बना लेती हूँ और अपने साथ अंडा बॉयल, अंडा जो फ्राई किया है उसके साथ ही मैं खा लूँगी। और यहाँ पर खजूर वगैरह सेट कर दिए थे और दूध था, ये लोग दूध पी रहे होते हैं, और दही है, ये सब चीज़ें कर करा के मैंने रख ली थी। अच्छा जनाब उसके बाद जो है मैंने जिक्र शुरू कर दिया था, जो मेरे पास प्लानर है रमदान प्लानर, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है तो वो भी टिक करना शुरू कर दिया था मैंने। तो जनाब अभी जो है फजर की नमाज़ हो चुकी है, सहरी ख़त्म हो गई थी और जो है अब तकरीबन 6:10 है इस वक्त। तो नमाज़ वगैरह से फारिग हो गए हम लोग और अब जो है थोड़ा ज़िक्र वगैरह करना था वो भी कर लिया है। अब मैं सोने के लिए जाने लगी हूँ और 7:30 जो है वो हस्बैंड ने जाना है हॉस्पिटल, तो फिर उठना पड़ेगा, तो फिर 1.5 घंटा ज़रा सो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी अभी जो है वो बच चुके हैं 11 और मेड मेरी आ गई है, तो हस्बैंड चले गए थे तो अब जल्दी जल्दी जो है वो उठ के हम लोगों ने सफाई शुरू कर दी है। सफाइयाँ कंप्लीट होगी और साथ में जो है मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी तो उनके ड्रेसेस की, तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो बस आगे का रूटीन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो है तकरीबन 5:15 हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी सारा टाइम जो है वो मैंने ये किया था कि मैंने अपनी वीडियो बनानी थी तो मैंने वो वीडियो बनाई और वो अपलोड की, उस पर काम करना था और उसके बाद छोटे वाले बेटे को भी देखना था साथ में। अब मैं जो हूँ बस किचन में आ गई हूँ और अब फटाफट जो है वो इफ्तारी की तैयारी करनी है, तो लेट्स गो विद मी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चने जो हैं वो बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा ऐसा कर लिया था कि इसमें से पानी वानी निकल जाए, बर्फ़ जो जमी हुए वो सही हो जाए। फ्राई पैन के अंदर एक प्याज को डालकर मैंने थोड़ा सा सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, और इसी के अंदर टमाटर मैं ऐड कर दूँगी और टमाटर के साथ ही इसमें जो चने हैं वो चले जाएँगे। अच्छा मैंने सबसे पहले जो है ना शरबत बना दिए थे और वो बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिए थे ताकि वो ठंडे हो जाएं, पानी भी अपना भर के रख दिया था मैंने। अच्छा इसके बाद चने ऐड करने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और जनाब मसाले जो है नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ जो मैंने मसाला बना के रखा था सफ़ेद ज़ीरे और साबित धनिया का, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ज़रा अच्छा सा खूबसूरत सा इसमें लुक भी आए, कलर भी आए और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा सा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है काले चने इस तरह से भुने हुए, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो इसके अंदर थोड़ी सी चाट मसाला भी ऐड करना है और अगर आप चाहें तो इसमें हरा मसाला यानी कि बाकी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया वगैरह। इसमें मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी भी ऐड की थी, ज़रा अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। अब इसको रख दिया मैंने, थोड़े 5-10 मिनट में ये हो जाएगा, इसको निकाल लेना है। आज मैंने आलू के और चिकन के दोनों के समोसे जो है वो फ्राई किए थे, रोल नहीं किए थे फ्राई। और जनाब यहाँ किचन में जो है मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे को ये बता रहे थे कि फ्रूट असल में कट कैसे कटते हैं, वो बड़ा ही डरता है छुरी को इस्तेमाल करते हुए। तो जी मैंने कहा चलो ठीक है आज ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाए। तो जनाब ये देख रहे हैं आप किस तरीके से बेटे साहब मेरे कट कर रहे हैं। बहरहाल तो आज ज़रा थोड़े से सब एक्टिव थे माशाल्लाह से, हस्बैंड ने कहा कि ठीक है चलो मैं जो तुमने डाल दिए हैं पकौड़े मैं इनको फ्राई करता हूँ, तुम फ्रूट चाट बना लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है वो सेट कर दी थी और थोड़ा थोड़ा ही मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि जितना जो है वो खा लिया जाए और ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड हमेशा अवॉइड करते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें मत बनाया करो और ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाया करो, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बनाते हैं जितना कि उसी टाइम पे फिनिश हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई थी और उसके बाद फ़ौरन 1/2 घंटे के बाद जो है मेरी मेड आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो किचन जो है वो भी सारा क्लियर हो गया है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। सो बस ये रिलैक्सेशन होती है इफ्तारी के बाद कि किचन जो है ना वो ज़रूर साफ़ हो जाए, तो मुझे किचन फ़ौरन साफ़ चाहिए होता है।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो रोज़ा है वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है और किचन जो है वो आपने देखा मेरा किचन जो है वो साफ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। मेड के इस वक्त आदत आने से मुझे बड़ा फायदा हो जाता है। तो किचन जो है वो माशाल्लाह क्लीन हो चुका है और बाकी सारे काम भी हो गए हैं। अब जो है टाइम है बच्चों को पढ़ाने का, तो अब मैं जाऊंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए और तकरीबन अभी 8 बज रहे हैं और उसके बाद जो है 10 बजे तक इंशाल्लाह मैंने इनको 1-1.5 घंटा जो है वो पढ़ाना है। पढ़ाने के बाद अगर किसी को कुछ खाना वाना होगा तो कुछ खाने के लिए दे देंगे, अदरवाइज जो है वो 10:30 बजे तक कोशिश करनी है कि सब लोग सो जाएं। और क्योंकि लास्ट रमजान भी ऐसे हुआ था कि हमारी ना बिल्कुल 11th आवर पे सहरी में आंख खुलती थी, तो अब हमने ये करना शुरू किया कि नहीं यार कोशिश करके जल्दी सो जाओ ताकि जो है ना थोड़ा सा नींद भी पूरी हो जाए क्योंकि कल बच्चों ने स्कूल भी जाना है। सो टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है इस चीज में कि इबादत अच्छे तरीके से हो, सुस्ती में ना हो, नींद में ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो है हम टाइम पर अपनी नींद को भी पूरी करें और रमजान को अच्छे तरीके से गुजारें। तो आई होप आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों का भी रमजान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगी और कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जाने से पहले मैं एक चीज बताती जाऊँ कि जो मैंने आज वीडियो अपलोड की है दिन में आप लोगों उसको जरूर देखना है, मुझे बताना है कि आपको ड्रेसेस कैसे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।